भाजपा से भगदड़ मची हुई है, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा वहाँ से बुरी तरह पराजित होने जा रही है। उपचुनाव के नतीजे आपने देखे थे और उसके बाद लगातार माहौल भाजपा के विरुद्ध बनता चला जा रहा है, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे बागवानों का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ यहाँ पे इंदु वर्मा जी हैं। इंदु वर्मा जी के पति राकेश वर्मा जी हिमाचल प्रदेश के जाने माने नेता थे और 3 बार विधायक रहे। 2020 में उनका निधन हो गया दुर्भाग्यवश, लेकिन इस परिवार का पूरे शिमला ज़िले में बड़ा भारी प्रभाव है। इनके फादर इन लॉ डायरेक्टर जनरल पुलिस थे वहाँ से हिमाचल में, और पति जाने माने राजनेता। इंदु वर्मा जी स्वयं में भी काफ़ी राजनीति में सक्रिय रही हैं। मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में हैं प्रदेश में, और 2 बार डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट भी रही। जिला परिषद की 2 बार मेंबर चुनी गई। फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की अध्यक्ष थी और वहाँ पे एक अच्छा NGO चलाती है, महिला जागरूकता मंच, 20 साल से। आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता लेने का फैसला किया है। मैं इंदु वर्मा जी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ और इन्हें आज पार्टी में शामिल कराता हूँ।